पूर्व मंत्री प्रभुराम चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कोरोना को लेकर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। पिछली सरकार में कोरोना की स्थिति आखिर में बनी थी, उस समय हम सरकार का हिस्सा नहीं थे। मंत्रिमंडल गठन को लेकर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है कि वो मंत्रिमंडल का गठन कब करेंगे। मुझे जो जिम्मेदारी मिलेगी उसे बखूबी निभाऊंगा। उनसे बात की हमारे संवाददाता सुधीर दंधोतिया ने। पूर्व मंत्री प्रभुराम चौधरी हमारे साथ में मौजूद हैं और जो एक बात कही जा रही थी सर, वर्तमान में कोरोना का हालत के लेकर कल भी आपने जो एक दो दिन पहले जनता से अपील की है वो भी हम लोगों ने चलाई थी टेलीविजन पर वर्तमान में जो हालत है कहा जा रहा है कि सरकार पूरी नहीं है, मंत्रिमंडल नहीं है, तो क्या सर आपको लगता है, क्योंकि बार बार ये बात कही जा रही है कि सरकार बनाने और बिगाड़ने के पीछे पूरा खेल रहा है जिसकी वजह से ये ध्यान नहीं दे पाए और वो पूरा खेल आप प्रत्यक्ष गंवाएं उसके? नहीं, ऐसा नहीं है। जो माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी हैं, जिस दिन से उन्होंने शपथ ली है उसी दिन से लगातार वो पूरे प्रयास कर रहे हैं और मध्य प्रदेश के प्रत्येक ज़िले पर उनकी नज़र है, लगातार मीटिंग्स ले रहे हैं, पूरी व्यवस्थाएं जमा रहे हैं कि जिससे कि जो कोरोना की जो महामारी के फैली है पूरी दुनिया में पूरे देश के अंदर वो उस पर किसी तरीके से कंट्रोल किया जाए और लगातार इसमें प्रयास किए जा रहे हैं। सर एक बात और कही जा रही है कि जो पिछली सरकार थी, अभी शिवराज जी का भी हमने सुना था पिछले दिन, उनका कहना था कि पिछली सरकार ने कोरोना की तरफ ध्यान दिया, आप उस समय मंत्री थे, क्या वाकई में कोई बैठक कोई रणनीति या कोई चर्चा उस तरीके की सरकार में होती थी? आप उस सरकार का हिस्सा रहे हैं इसलिए आप ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे। नहीं देखिए, ऐसा है कि उस समय तो कोरोना की स्थिति लास्ट में उस समय जो बनी थी उस समय हम उसमें नहीं थे और उस समय अगर सही निर्णय लिए जाते तो शायद हो सकता है कि इतनी जो स्थिति बनी है उसमें कंट्रोल हो सकता था। मंत्रिमंडल की बात की जा रही है सर, आप चूंकि मंत्री रहे हैं और स्वाभाविक दावेदार इस बार सरकार में भी हों, तो क्या उम्मीद कब तक कोई बुलावा या कोई आपको लग रहा है अभी इस कोई संकेत मिले हो कि जल्दी गठन होने वाला है? नहीं देखिए, ये हमारे मुख्यमंत्री जी का विशेष अधिकार क्षेत्र है, वो कब करेंगे, चूँकि कोरोना से जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो पहली प्राथमिकता है। ये भी कहा जा रहा है कि बीते दिनों सिंधिया जी की मुलाकात हुई अमित शाह जी से और कहा जा रहा है कि उनके जो समर्थक जितने ही मंत्री थे सबको एक साथ मौका मिले ऐसी उनकी मंशा है। प्रभुराम चौधरी क्या संभावित मंत्रिमंडल का जो गठन होना है कहा जा रहा है कि छोटा होगा, पहले उसमें सुमार है? नहीं देखिए, ये मेरा विषय नहीं है, अब ये तो मुख्यमंत्री जी का और वरिष्ठ नेताओं का विषय है कि वो किसको रखते हैं किसको नहीं रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभुराम चौधरी। सीधे तौर पर कहना है उनका कि पिछली सरकार के समय जब ये कोरोना सक्रियता ज़्यादा बढ़ी थी उस समय वो सरकार में मौजूद नहीं थे, पर लेकिन वर्तमान में कोरोना प्राथमिकता मंत्रिमंडल में क्या निर्णय होगा ये मुख्यमंत्री को तय करना है। कैमरामैन अजय मालवी के साथ सुधीर दंडोतिया, IVC 24 भोपाल।